हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आस्क ट्रिपल आईएम। क्वेश्चन आंसर देने के आप लोग आपको देने जा रहे हैं। कुछ मिस्टर किशन पुरोहित ने एक क्वेश्चन पूछा है, कौन सी कंट्रीज के साथ एफटीए है, प्लीज प्रोवाइड लिस्ट ऑफ दोज कंट्रीज। एफटीए मतलब फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट, जो हमारी दूसरी कंट्रियों के साथ की हुई है, उनकी पूरी लिस्ट एक साइट का नाम बताता हूँ और मैं उसके आपके को पास भी बताता हूँ कहाँ पर है। commerce.gov.in ट्रेड एग्रीमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड पे चौथा पे आएगा, तो आप उसे ट्रेड एग्रीमेंट में क्लिक कीजिए और आपको वो पूरी की पूरी लिस्ट जो हमारी है, जिन कंट्रियों के साथ हमारी फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट की हुई है, वहाँ पे उसकी लिस्ट है। एक और एडिशनल बात आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर, कि जिसी भी किसी अगर पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं कि किसी प्रोडक्ट कोई कंट्री के अंदर जा रहा है, तो आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ में दूसरी भी डिटेल एक ही क्लिक पे मिल जाती है। वो ये है, आप इंडियन ट्रेड पोर्टल पर जाइए, अपना प्रोडक्ट का एचएस कोड डालिए, अगर एचएस कोड नहीं है तो आप अपना प्रोडक्ट का नाम डालिए और वहाँ पर क्लिक करने से एचएस कोड आ जाएगा। एचएस कोड डालने के बाद अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो या एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो पर्टिकुलर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर उसको क्लिक कीजिए और पर्टिकुलर जो आपका इस उन प्रोडक्टों में से जो आपका एक्चुअल प्रोडक्ट है उसको क्लिक कीजिए, नेक्स्ट का बटन दबाइए, तो लास्ट जो वहाँ पर जो साइट खुलेगी वो इंडियन ट्रेड पोर्टल के अंदर आपको एक पूरी की पूरी जानकारी वहाँ पर एक ही जगह पर मिल जाती है। दैट इंक्लूड्स ए फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट ऑल्सो। वहाँ पर जो फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट खुलेगी तो वो आप पर्टिकुलर आइटम वाली ही खुलेगी कि आप जिसके बारे में इंक्वायरी कर रहे हो, कि यहाँ तो एक्सपोर्ट कर रहे हो या तो इंपोर्ट कर रहे हो, तो पर्टिकुलर कंट्री के साथ हमारी ट्रेड एग्रीमेंट उसमें से एक्सट्रैक्ट करके वहाँ पे आती है। इंक्लूडिंग आप लोगों को वहाँ पे एमईआईएस बेनिफिट्स भी मिलेंगे, सामने वाली कंट्री में अगर वो इंपोर्ट कर रहा है, यहाँ आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसको इंपोर्ट ड्यूटी क्या लग रही है, आपको ड्यूटी ड्रॉबैक के बारे में बताया जाएगा, इंटरेस्ट सबवेंशन के बारे में बताया जाएगा, टीएमए बेनिफिट है तो वो भी बताया जाएगा। तो आप अगर पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में खाली जानकारी लेना चाहते हो कि इसकी ट्रेड एग्रीमेंट उस कंट्री के साथ क्या है, तो वो ये मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा, रादर देन के वो जो मैंने आपको बताया था सब ट्रेड एग्रीमेंट पढ़ेंगे, एक एक ट्रेड एग्रीमेंट 30-30, 40-40 पन्नों की होती है, तो आप एक इतनी सब ट्रेड एग्रीमेंट पढ़ोगे तब जाके आपको ये पता चलेगा। उससे अच्छा ये रहेगा कि आप इंडियन ट्रेड पोर्टल पर जाइए, अपना प्रोडक्ट डालिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को क्लिक कीजिए, तो आपको वहीं पे वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आई होप कि मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया होगा और सेटिस्फैक्टरीली दिया होगा। अगर आपको मेरा आंसर बराबर लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, ताकि हमारे इंडिया का एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और हमारी इकोनॉमी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग हो। Thank you very much for asking this question.